आज ही बना था भारत का वह राज्य जहां दुकानों पर नहीं बैठते लोग, होती ही नहीं चोरियां। भारत के पूर्वोत्तर मिजोरम को आज ही के दिन 1987 में 23वें राज्य का दर्जा मिला। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले तक ये असम का हिस्सा था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने के साथ मिजोरम 1891 में ब्रिटिश अधिकार में आ गया। इसके बाद कई वर्षों तक मिजोरम का उत्तर कलुषाई पहाड़ी क्षेत्र असम और आधा दक्षिणी भाग बंगाल के अधीन रहा। भारत के पूर्वोत्तर मिजोरम को आज ही के दिन 1987 में 23वें राज्य का दर्जा मिला। 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले तक ये असम का हिस्सा था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ने के साथ मिजोरम 1891 में ब्रिटिश अधिकार में आ गया। इसके बाद कई वर्षों तक मिजोरम का उत्तर कलुषाई पहाड़ी क्षेत्र असम और आधा दक्षिणी भाग बंगाल के अधीन रहा। प्राकृतिक रूप से ये बहुत सुंदर राज्य है। ये राज्य को अलग राज्य बनाने की मांग 1967 से ही जोर पकड़ने लगी थी। 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। ऐजोल यहाँ की राजधानी है। यहाँ कुल 8 जिले हैं। इस पूरे राज्य में लोकसभा की केवल एक सीट है तो राज्यसभा की भी एक ही सीट है। हाँ, विधानसभा में 40 सीटें हैं। भारत में साक्षरता के मामले में आगे राज्यों में मिजोरम का दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर केरल है। यहाँ खूबसूरत घुमावदार सड़कें और पहाड़ हैं। यहाँ चोरियाँ नहीं होती। आप अगर यहाँ यात्रा करें तो आपको कई जगहों पर सड़क किनारे ऐसी दुकानें देखेंगी जहाँ मौसमी फल और सब्जियाँ तो होंगी लेकिन कोई दुकानदार या दरवाजा नहीं। ये भरोसे पर चलती हैं। लोग यहाँ से सामान लेते हैं और पैसे रख जाते हैं। इन दुकानों पर सभी वस्तुओं की कीमत की सूची पहले से टंगी होती है। आपको बस यह करना है कि अपनी मनपसंद सब्जी या दूसरी सामग्री उठाइए और उसकी जो भी कीमत है उतने रुपए साथ वाले डिब्बे में डाल दीजिए। चोरी करने वाले परिवार को इतनी हिकारत से देखा जाता है कि इनका अपने आप ही सामाजिक बहिष्कार हो जाता है। मिजोरम का मतलब होता है पहाड़ों की भूमि। यहाँ की स्थानीय भाषा में जो है, ये राज्य म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। मिजोरम की धरती में अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, कई प्रकार के लैंडस्केप, समृद्ध वनस्पति और जीव, पाइन के समूह और बांस के घरों वाले अनूठे गांव हैं। यहां साल भर मौसम सुहाना बना रहता है। खड़ी पहाड़ियों और गहरी घाटियों वाले मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी डब्लू माउंटेन 2165 मीटर से ज्यादा ऊंची है। मिजोरम में लगभग 87% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। यह पूर्ण आदिवासी राज्य है। मिजोरम की 3/4 आबादी अपनी रोजी खेती से कमाती है। यहाँ सीढ़ीदार खेती और झूम खेती दोनों ही की जाती है। खेती करने वालों की बढ़ती संख्या के कारण 8 साल का पारंपरिक झूम चक्र बहुत कम हो गया है। मिजोरम अपनी रेशाहीन अदरक के लिए मशहूर है। धान, मक्का, सरसों, गन्ना, तिल और आलू इस इलाके की प्रमुख फसलें हैं। मिजोरम का मौसम सुहावना ही रहता है। यहाँ का तापमान गर्मियों में आराम भरा और 20 डिग्री से 29 डिग्री तक रहता है। सर्दियों में भी यह ज्यादा ठंडा नहीं रहता। तापमान 11 डिग्री से 21 डिग्री के बीच रहता है। राज्य की जलवायु में मूसलाधार बारिश की अधिकता रहती है और इलाके में मई से सितंबर के दौरान बहुत ज्यादा बारिश होती है। राज्य के ज्यादातर लोग विभिन्न वंशों और समुदायों से जुड़े हैं जो कि जातीय या भाषाई तौर पर एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इन वंशों या जनजातियों को सामूहिक तौर पर मिजो कहा जाता है जिसमें मि का मतलब लोग और जो का मतलब पहाड़ है। ये यहाँ के पारंपरिक आदिवासी परिवार की तस्वीर है। यहाँ से ताल्लुक रखने वाले जनजातियाँ बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी बसी हुई हैं। मिजो जनजाति में लुशाई, हमार, लाई, पैते और मारा शामिल है। हमार लोग कई समूहों में उपविभाजित हो गए जैसे लुंगताओ, थैक, खाय अबंग, दमगायन और जोते।